अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना उसामा और आप देख रहे हैं आज टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना डिलीटेड डेटा किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। बहुत सी ऐप्स हैं जो ये कहती हैं कि हम आपका डेटा रिकवर कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ रिसाइकल बिन का काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डम्पस्टर, वो भी सिर्फ रिसाइकल बिन का काम करती है, एक्चुअली डेटा रिकवर नहीं कर पाती। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना डिलीटेड डेटा किस तरह से सीरियसली रिकवर कर सकते हैं। हमें जिस ऐप की ज़रूरत है वो प्ले स्टोर पर मिल तो जाएगी, लेकिन आपको परचेस करनी पड़ेगी। मैं उसको आप डाउनलोड करने की लिंक बता देता हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे यूसी ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। हम सिंपली अपना यूसी ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ सर्च करते हैं वायरल हैक्स। ये देखिए, ये मेरे पास लिंक आ रही है viralhacks.com/recover। इसको हम ओके करेंगे। याद रखिए viralhacks/recover। यहाँ से ये हमारी लिंक हमने ओपन कर ली है। इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें इस ऐप का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। ये देखिए, ये है डिस्कडिगर प्रो। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ़र्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड डिस्कडिगर प्रो APK। इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमें डाउनलोड लिंक मिल गया है। हम इसको ओपन कर डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम सिंपली डाउनलोड करते हैं। ये देखिए, ये हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये डाउनलोड हो गया है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इंस्टॉल कर लिया है। आइए देखते हैं इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। हम अपनी गैलरी ओपन करते हैं, यहाँ से कोई फाइल हम डिलीट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पे ये एक फाइल है, पिक्चर है, इसको हम डिलीट करते हैं। ये देखिए, इसको हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पे ये फाइल डिलीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस फाइल को किस कहाँ पे रिकवर करता हूँ। हम अपनी माय फाइल्स ओपन करते हैं, डिवाइस स्टोरेज ओपन करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं है। मैं इसको यहीं पर रिकवर करूँगा। आइए देखते हैं। सिंपली हम अपना डिस्कडिगर प्रो ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी फाइल आपको रिकवर करनी है, आप बस उस फाइल पर टिक कीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पर JPG सेलेक्ट हुआ हुआ है, जो कि पिक्चर के लिए यूज़ होता है। हम स्टार्ट बेसिक फ़ोटो स्कैन कर देते हैं। ये देखिए, इसने स्कैन कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं हमारे पिक्चर का। ये देखिए, हमारी पिक्चर ये रही। हम इसको सिंपली, ये देख ली, ये रही हमारी पिक्चर। हम इसको सिंपली टिक करके और यहाँ से रिकवर कर देते हैं। ये पूछ रहा है हम इसको अपलोड करेंगे या फिर अपने फ़ोन में सेव करेंगे। हम सिंपली अपने फ़ोन में सेव कर लेते हैं। मैंने कहा था मैं इसको अपनी इंटरनल स्टोरेज में सेव करूँगा। यहाँ पे ये हमारी इंटरनल स्टोरेज ओपन हो गई है। हम इसको सिंपली ओके कर देते हैं। ये सेविंग हो रही है और ये हमारी पिक्चर सेव्ड हो चुकी है। आइए देखते हैं। हम फाइल मैनेजर में जाते हैं, उसे डिवाइस स्टोरेज ओपन करते हैं और ये देखिए, हमारी पिक्चर यहाँ पर सेव हो चुकी है, रिकवर हो चुकी है सक्सेसफुली। आप इससे अपनी कोई भी फाइल, MP4 फाइल, MP3 फाइल रिकवर कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो इसी तरह की और भी ज़्यादा आप लोगों को मिलते रहें, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया है, लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।